सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें फ्लाइट के अंदर यात्रियों के बीच मारपीट हुई है। दावा है कि फ्लाइट मुंबई जा रही थी, कहा सोने के बाद हाथापाई भी हो गई। बस और मेट्रो में सफर करने के दौरान अक्सर यात्रियों के बीच छोटी छोटी बातों पर बहस देखने को मिलती है। वहीं सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जो एक प्लेन का है। कहा जा रहा है कि केबिन में सामान रखने को लेकर दो यात्री आपस में भिड़ गए। पहले कहा सुनी हुई और उसके बाद तो बात संभलने की जगह बिगड़ती चली गई। बाद में हाथापाई भी होने लगी। 4 से 5 लोगों का ग्रुप एक शख्स पर टूट पड़ा। दावा है कि फ्लाइट मुंबई जा रही थी और इसी दौरान फ्लाइट में अपने परिवार के साथ यात्रा कर रहे एक शख्स की सामने वाले यात्री से बहस शुरू हो गई। बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि बीच बचाव करने के लिए परिवार के साथ साथ क्रू मेंबर को भी आना पड़ा। प्लेन में सफर कर रहे दूसरे यात्री भी दंग रह गए। दोनों को समझाने की काफी कोशिश की गई, लेकिन बाद में मारपीट हो गई। 4 से 5 लोगों ने दूसरे यात्री पर थप्पड़ बरसाए। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद लोगों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। कोई इसे शर्मनाक बता रहा है तो कोई मारपीट करने वाले यात्रियों को बैन करने की मांग कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। काशी में गंगा की लहरों पर अब गंगा विलास के बाद बंगाल क्रूज शोभा बढ़ाने जा रहा है। पहली बार 5-स्टार सुविधा जैसा क्रूज वाराणसी में सैलानियों को पूर्वांचल में एडवेंचर टूरिज्म का एहसास दिलाएगा। गंगा की गोद में खड़ा ये बेहद ही आकर्षक क्रूज आलिशान कमरे, मनोरंजन, खाने की सुविधा, लाइब्रेरी की सुविधा और कल कल बहती बाहर गंगा। काशी में रिवर टूरिज्म की तरफ ये बड़ा कदम है, जहां पर गंगा की लहरों पर 5-स्टार जैसी सुविधाएं मिल सकेंगी। ये बंगाल क्रूज एक आलिशान होटल की तरह है, जहां पर सैलानियों को तमाम सुविधाएं मिलेंगी। क्रूज में कमरे किसी बड़े होटल की तरह दिखाई पड़ते हैं। डिलक्स, सुपर डिलक्स और सिंगल बेडरूम बने हुए हैं। 2 फ्लोर के इस क्रूज पर कुल 20 कमरे हैं, जहां एसी की सुविधा भी दी गई है। वाराणसी में गंगा विलास क्रूज के बाद अब बंगाल क्रूज यहां के पर्यटकों को 5-स्टार होटल जैसा सुविधा देगा। यह क्रूज इस वक्त वाराणसी में 20 गंगा में पर्यटकों को लेकर के आ गया है और बकायदा पर्यटकों को इस वक्त बनारस का सैर करवा रहा है। यह क्रूज स्पेशल बनारस के लिए बनाया गया है, जो बनारस के आसपास के इलाकों को जैसे गाजीपुर, कैथी, विंध्याचल, मिर्जापुर, चुनार और प्रयागराज तक यहाँ के लोगों को सैर कराएगा। जो ये नया क्रूज है और इससे क्या है कि जो ये एरियाज हैं, इनमें टूरिज्म को बढ़ावा होगा और नई चीज़ें लोगों को देखने को मिलेंगी। दूसरी चीज़ क्या है कि हम बनारस में घूमने के अलावा बनारस की और भी बहुत सी खासियत है, जैसे बनारस का म्यूज़िक है, बनारस का खाना है, बनारस का के टेक्सटाइल्स है, हम उनको भी एक्सपोज करेंगे, क्योंकि हमारे क्रूज़ 4 दिन के लिए है। तो इन चीज़ों को एक्सपोज करने से और जो सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें भी जो यूनिक चीज़ें हैं, जीआई टैग चीज़ हैं, उनको भी हम एक्सपोज करेंगे। सैलानी अपने कमरे से ही गंगा के खूबसूरत नज़ारे देख सकते हैं, वहीं खाने का भी भरपूर इंतजाम है। बनारसी जायकों का लुत्फ उठाया जा सकता है। वहीं इस क्रूज की छत पर बैठकर लहरों के साथ चलने का एहसास भी रोमांचित करने वाला है। पूरा क्रूज बंगाली पारंपरिक रंग में रंगा हुआ है। इसे सोलर पैनल से भी संचालित करने की व्यवस्था की गई है। क्रूज की छत पर सोलर पैनल लगाए गए हैं। इस क्रूज में 4 दिन के सफर का पैकेज तैयार किया गया है। 4 दिन के सफर के लिए 40,000 रुपए खर्च करने होंगे, क्योंकि यहाँ के लोग बाहर जाते हैं और क्रूज इस तरह से 5-स्टार जैसे क्रूज में रहने का सपना देखते हैं। तो उस सपने को बनारस अब साकार करने जा रहा है। बंगाल क्रूज उनको वही सुविधा देगा और बड़ी बात यह है कि यह पूरी तरह से बजट फ्रेंडली है।
खास बात यह है कि इस क्रूज का संचालन शुरू हो चुका है और जल्द ही इसकी जो घोषणा भी हो जाएगी। जहाँ तक किराए की बात है तो किराए के लिए जो हमने बहुत रीजनेबल रखा है जो कि 12 से 15,000 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से, जिसमें खाना भी इंक्लूडेड है, जिसमें घूमना भी इंक्लूडेड है और क्रूजिंग भी इंक्लूडेड है, तो ये सारी चीज़ें उनमें इंक्लूडेड है। पीएम मोदी और सीएम योगी यूपी में लगातार रिवर टूरिज्म को नई दिशा दे रहे हैं। पहले गंगा विलास के जरिए कई प्रदेशों को जोड़ा गया, तो वहीं अब बंगाल क्रूज उत्तर प्रदेश के गंगा से सटे शहरों को जोड़ने जा रहा है। वाराणसी से न्यूज 18 के लिए रवि पांडे की रिपोर्ट।